हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। शुरू करेंगे आज के 4 सितंबर करंट अफेयर वीडियो को। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। शुरू करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर एक के साथ। क्वेश्चन नंबर एक है, किस देश ने विश्व का सबसे बड़ा जो सोलर ट्री है वो विकसित किया है? तो किस देश ने किया है, वो किया है भारत ने। भारत ने इसको विकसित किया है। इसे सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के आवासीय कॉलोनी जो दुर्गापुर है उसमें स्थापित किया गया है। इसकी क्षमता है 11.5 किलोवाट की और इस सोलर ट्री से किसानों के जो पंप है और ई ट्रैक्टर है वो आदि चलाने में इससे सुविधा होगी। वहीं यहाँ से उत्पादित जो बिजली है उसका पावर ग्रिड भी दिया में भी दिया जा सकता है। सोलर ट्री है उसकी कीमत कितनी है? लगभग 7.5 लाख रुपये है। आगे देखेंगे फटाफट रिवीजन। फटाफट रिवीजन में क्वेश्चन नंबर एक है, सुप्रीम कोर्ट ने किस मंदिर की शिवलिंग में पंचामृत चढ़ाने पर रोक लगी है? तो है माँ अंकलेश्वर मंदिर के अंदर। कहाँ पर? माँ अंकलेश्वर मंदिर जो उज्जैन के अंदर स्थित है उसके ऊपर जो है पंचामृत चढ़ाने पर रोक लगाई हुई है। केंद्र सरकार ने समूह गए की नौकरियों जो है उसमें कितने नए खेलों को शामिल करने पर उनको स्पोर्ट्स कोटा के तहत नौकरी देने की घोषणा किया, तो वह 20 नए खेल जोड़ दिए गए हैं। पहले थे 46 और उनमें 20 और जोड़ दिए गए हैं, टोटल हो गए वह 63। अगला, विश्व नारियल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो वह 2 सितंबर को। वित्त मंत्रालय अनुसार अगस्त 2020 में GST का कितना संग्रह किया गया है? वह 86,449 करोड़ रुपये। सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को AGR बकाया चुकाने के लिए कितने साल का समय दिया है राह देते हुए? तो है 10 साल का समय। हाल ही में किस राज्य के कुडुप्पा जिले में खुदाई के दौरान रेनार्टी चोल युग के जो एक दुर्लभ शिलालेख है उसकी प्राप्ति हुई है? तो वो हुई है आंध्र प्रदेश के अंदर। कहाँ पे हुई है? आंध्र प्रदेश के अंदर। आगे देखें क्वेश्चन नंबर दो। दो नंबर क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वह 2580 करोड़ रुपए के अनुबंध पर जो है रक्षा मंत्रालय ने हस्ताक्षर किए हैं। यह कदम मेक इन इंडिया के पहल को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने के लिए लिया गया है। अनुबंध टाटा पावर कंपनी, भारत अर्थ मूव्स लिमिटेड, लॉन्स एंड ट्रूबो के साथ हस्ताक्षर किए हुए हैं। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि 6 पिनाकर रेजिमेंट में ऑटोमेटेड गन गेमिंग एंड पोजिशनिंग सिस्टम के साथ 114 लॉन्चर और 15 कमांड पोस्ट भी होंगे। आगे देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन, किस देश ने कैलाश मानसरोवर के पास सतह से हवा में मार करने वाले जो मिसाइल है वो स्थापित किए? तो किसने किए? वो किए चीन ने। चीन ने कैलाश मानसरोवर के पास जो है सतह से हवा में मार करने वाली जो मिसाइल है उसको स्थापित किया है वहाँ पे। आगे देखेंगे जो ये जो झील के पास मिसाइल है उसका साइट निर्माण किया गया जहाँ से वो जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल बना रहा है। यह झील कैलाश मानसरोवर का हिस्सा है। कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील जिसे आमतौर पर कैलाश मानसरोवर स्थल के रूप में जाना जाता है। कैलाश मानसरोवर के पास DF-21 नाम की मिसाइल तैनात की गई है। ये मध्य रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल जो 2200 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भू विज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में भारत और किस देश के सहयोग को मंजूरी दी है? तो वो दिए फिनलैंड। कौन? फिनलैंड। भारत सरकार ने खनन मंत्रालय के भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग और फिनलैंड के रोजगार और आर्थिक मंत्रालय के भू वैज्ञानिक और सर्वेक्षण विभाग के बीच एक अहम समझौता हुआ है। ये MOU भू विज्ञान परीक्षण उपयुक्त विश्लेषण खनिज पूर्वानुमान के क्षेत्र में सहयोग की सुविधा प्रदान करेगा। दोनों देशों के बीच वैज्ञानिक संबंधों को मजबूत करने के लिए भौतिकीय और भूकंपीय सर्वेक्षण को अंतिम रूप दिया गया है। इसके अलावा समझौता ज्ञापन का उद्देश्य है खनिज संसाधनों और जो भू विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक रूपरेखा और एक मंच प्रदान करना है। कोल इंडिया 2023-24 तक कितने परियोजनाओं पर 1.22 लाख करोड़ रुपये का निवेश होगा? तो कितनी योजना पे होगा? वो होगा 500 योजनाओं के ऊपर। केंद्रीय कोयला और खनन मंत्री प्रहलाद जोशी के अनुसार कोल इंडिया 2023-24 तक कितने परियोजनाओं पर
जो 1.22 लाख करोड़ रुपए निवेश करेगा वो है 500। कोयला के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के तहत कोयला मंत्रालय नित्य नए विकल्पों को तलाश रहा है। इस निवेश का उद्देश्य भारत को कोयले में आत्मनिर्भर बनाना है। यह 2023-24 तक 1 बिलियन टन का उत्पादन के लक्ष्य को हासिल करने में भी मदद करेगा। कोल इंडिया लिमिटेड को अगले 3 से 4 वर्षों में 14,200 करोड़ रुपए का निवेश करना है। आज का जो सवाल है वो देखेंगे, आज का सवाल आपके लिए, और जिसका आपको राइट आंसर देना है नीचे कमेंट के द्वारा, और सही राइट आंसर देने वाले सभी विजेताओं के नाम अगले वीडियो के अंदर शेयर किए जाएंगे। तो क्वेश्चन क्या है देख लेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य देशों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए किस देश के लिए अभी रवाना हुए हैं 2 दिवसीय दौरे पर? तो किस देश के लिए रवाना हुए हैं वो आपको बताना है। ऑप्शन है नेपाल, जापान, रूस और चीन। किस देश के लिए हुए आपको बताएं नीचे कमेंट के द्वारा, और सही आंसर देने वाले विजेताओं के नाम अगले वीडियो के अंदर शेयर किए जाएंगे। 6 नंबर क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने वार्षिक परियोजनाओं के लिए कितने प्रतिशत जो सिलेबस है उसको कम करने का फैसला लिया है? तो वह 30% जो सिलेबस है वो कम कर दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश ने ये निर्णय लिया है। कोरोना महामारी के बंद के कारण स्कूलों के कारण प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 9वीं से 12वीं की वार्षिक परीक्षाएं 70% सिलेबस के आधार पर ली जाएंगी। शिक्षा मंत्री ने बताया कि प्रदेश के सभी स्कूलों में अब मार्च में ही परीक्षाएं होंगी। हिमाचल सरकार ने 21 सितंबर से 50% शिक्षकों और गैर शिक्षकों को स्कूल बुलाने का फैसला किया है। हाल ही में भारत ने पबजी गेम समेत कितने चाइनीज जो ऐप उन पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो कितने ऐप लग गए वो है 118 पे, कितने 118 पर। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। भारत सरकार द्वारा चीनी ऐपों पर प्रतिबंध लगाया गया है जिनमें पबजी के अतिरिक्त लिविक, वी चैट, वर्क, वी चैट रीडिंग, एपलॉग, कैरम फ्रेंड्स जैसे जो मोबाइल ऐप है वो शामिल है। भारत ने जून के आखिर में टिकटॉक, हेलो समेत चीन के 59 मोबाइल ऐप पर जो है प्रतिबंध लगाया था। बाद में जुलाई के अंदर 47 और चीन ऐप पर प्रतिबंध लगाया। इस तरह अब तक चीन ने के 224 ऐप पर प्रतिबंध लगा चुका है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने धारा 69A के तहत इन मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन और इसका सही आंसर और सही आंसर देने वाले विजेताओं के नाम देखेंगे। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि हाल ही में किस पूर्व सांसद को जननायक जनता पार्टी यानी जजबा का जो है राष्ट्रीय जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया वो किया गया अजय सिंह चौटाला को। पूर्व सांसद है अजय सिंह चौटाला, उनको राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया जजबा का। आज की जो सुविचार है वो देख लेंगे। सुविचार है कि आपके लिए जो मोटिवेशन लाइन है वो है, दूसरों को समझाने से अच्छा है कि खुद को समझा लो। यानी लोगों के साथ माथापच्ची करने से अच्छा है खुद को समझा लो। और सही विजेता के जो नाम है वो कुछ इस प्रकार है। विजेताओं के नाम देखेंगे। पहले नाम है मानसी गुप्ता, दूसरे नंबर पर है तनु विश और तीसरे पर है उमेद फरियार। उसके बाद जो नाम है कुछ इस प्रकार है, रामदीप म्यूरा, दिनेश मीणा, जयंत शर्मा, ऋतिक रोशन, कुशाल पांडे, जावेद शाह, सुधांशु कुमार, शुभम वर्मा, सपना कुमारी, अंजना सिंह, सुनील कुमार, शुभम पंकज, नारायण लाल, परिवेश, आनंद जी, कमल क्यूई, राजवीर हीरावानी, विजेंद्र कुमार, नांसी गुप्ता, निवास कुमार, संजय कुरी, विनिकेत राज, विकास ठाकुर, तुलसा हिरवाल, अखिलेश इक्वई, प्रकाश बावरे जी। आप सभी को हार्दिक हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। उम्मीद करेंगे वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दें और शेयर कर दें सभी फ्रेंड्स के साथ। नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हर नए वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिले। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें, घर पर रहें। जय हिंद, जय भारत।